रहेगा कि हमारे जो वादे किए गए हैं केसीआर साहब से, ये वादे पूरे इम्प्लीमेंटेशन हो और ये वादे जितने करके जो रिजेक्ट हो चुके हैं और अब तक के जो है काफ़ी साल हो चुके हैं और टीआरएस गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं आई है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सारी आवाम को जो है कांग्रेस का साथ दे और साथ हम प्रूव करके दिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या काम कर रही है प्रैक्टिकली ऑन द फील्ड। शुक्रिया। आवाम का ये कहना है कि टीआरएस पार्टी एमआईएम पार्टी वादा करी, कांग्रेस भी ऐसी वादा करती है, उसको लेकर बच्चे लोग आपके आपको वोट दे सकते हैं। नहीं, इंशाल्लाह हम लोग मुकरेंगे नहीं, हम लोग फील्ड पे आपको नज़र आ जाएंगे और मीडिया का मैं शुक्र अदा करूँगी जो अपना टाइम निकाल के हम लोगों का साथ दे रहे हैं और हम प्रूव करेंगे फील्ड वर्क करके और आपको आगे इलेक्शंस में आपको नज़र आ जाएगा और हम इंशाल्लाह थोड़ा वक्त ले जाएगा लेकिन हम कामयाबी हासिल करके रहेंगे। मस्जिद में हम ये मस्जिद पहली चीज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी चीज़ है ये चीज़ों को किसी के राइट्स नहीं है कि इसको तोड़ा जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके घर पे घर में आके कोई चीज़ तोड़ रहे हैं तो जो है आप खामोश नहीं बैठते, तो ये पूरा प्लान रहता है और अगर ये मस्जिद तोड़ते तो हम चाहेंगे कि ये मस्जिद वहीं पर बने और नेक्स्ट उसमें जो है ऐसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड रहते हैं कि इनको परमिशन इनके लिए बगैर मस्जिद को हाथ नहीं लगा सकते एज पर लॉ, तो ये बगैर इन्फॉर्म करके ये चीज़ हुई तो ये बिल्कुल एक साजिश के तहत होती है और हम इसके लिए ज़रूर लड़ेंगे मस्जिद बोलकर नहीं कि हमारा सेक्युलर कंट्री है तो मस्जिद मंदिर हम हर किसी भी मजहबी चीज़ को कोई हाथ ना लगाए, इसके लिए हम बराबर करेंगे और आगे आप लोगों को ये ज़रूर हम बताएंगे कि हम लोग का क्या मकसद है। हमारे प्रेसिडेंट श्री उत्तम कुमार रेड्डी जी, ये तो अब गर्म माहौल है, इलेक्शन इलेक्शन का सीजन है, गर्म इलेक्शन फेस्टिवल बोल सकते हैं, अभी स्टार्ट हो रहा, तो इसके वो जीएचएमसी इलेक्शन का इनका कोई तालुक नहीं, तेलंगाना के इंचार्ज है, लेकिन एक नौजवान जो यहाँ पर हिंग लीडर जो इनको इंचार्ज बना रहा है तेलंगाना का, अब क्या समझते हैं कि आने वाले जीएचएमसी इलेक्शन में कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, जीएचएमसी इलेक्शन के अंदर इसका एक अच्छा असर पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं कांग्रेस, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और दिगर कांग्रेस के बड़े जो टिकट लीडर है वो चाहते हैं कि तेलंगाना के अंदर एक कांग्रेस की बड़ी मुहिम काम करे, इसके लिए पूरे नौजवान लीडर्स को तेलंगाना के अंदर जमा किया। इस तरह से मंगलसूत्र जो पुराने शहर में जो वादे कर रही है कि पुराना शहर बोलते तो गुरबत की जिंदगी में जी राहुल छोटी बीजेपी। मैं शेख मोहम्मद कलीमुद्दीन, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाइस चेयरमैन एंड कंटेस्टेड MLA बहादुरपुरा। आज हम जो है AICC Thank you.